जित से भी है पाओ पागे
धन धन गुरु धन धन गुरु गरीब निवाज धन धन गुरु गरीब सतगुरु की अपार कृपा रहमत दा सदका इस महान स्थान थे जिथे नेता प्रति सतगुर की बाणी पढ़ी जाती हो सुनी जाती हो और जिथे जाए पहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम मैं जदों दरबार हाल विच हाजिर होया प्रवेश किया इतों के नज़ारे देख के मन च बहुत बहुत खुशियां हुई बहुत खुशियां सामने देख रहे हैं सतगुरु के चरणों के गुरु साहब के अखंड साहब अखंड पाठ साहब के पाठ चलते पे ने दरगाही नज़ारे ते नाल कीर्तन की सेवा चल रही है बच्चे हाजरियां भर रहे सन ते सब तो वड्डी गल जदों मैं बाहर देखिया कि बच्चे छोटे तो लैके वड्डे ते इतनी वड्डी तादाद नौजवान बच्चे बच्चियां दी मेरी भैणां दियां नौजवान वीरां दियां और इस तरीके नाल तुसी कमरां अपनियां सीधियां करके गर्दनां सीधियां करके गुरु चरणां च बैठे हो मुबारक है तुहानूं मुबारक इस गल दी भी है कि जिहड़ियां कौमां जिहड़े परिवार जिहड़े समाज अपने वड्डे वडेरियां नूं याद रखते ने उत्थे सतगुर की कृपा सदा बनती है और कहिंदे ने जिन्हां ने वड्डे बनाए वड्डे मनाए उन्होंने सदा सुख पाए जो इत्थों दा मैं नज़ारा देखिया ते अज तकरीबन 37वां सालाना 1984 जिहड़ी दिल्ली वालियां ने भुगती वैसे तो हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं सी बचिया जिथे है कतलेआम ना उथे वापरिया होवे पर दिल्ली दे विशेष करके कुछ स्थान ऐसे जिथे जिन्हां ने पिंडियां ते हंडाइयां ने वो भुल नहीं सकदे रोम रोम दे विच ओ कहानियां ओ वारदातां ओ घटनावां ओ अखां दे सामने आंदियां ते रोम रोम च लिखियां गईयां ने ते कहिंदे ने जिन्हां ने अपना इतिहास याद रखिया चेते रखिया ते रब दा ओट आसरा लैके जिहड़े चले ते सतगुरु उन्हां दा भगवान परमात्मा सदा साथ दिंदा है ते आओ अज समें दे मुताबिक जिहड़ा इस वक्त साडा गुरु साहब ने जो सानू रवायतां दित्तियां ने कीर्तन करन दियां हर मौके दे मुताबिक गुरुद्वारा शहीदगंज साहब शहीदां दे परिवार सामने बैठे हो शहीदां दे बहुत सारे परिवारां विच्चों बच्चे बच्चियां ने कीर्तनां दी हाजरी भरी होवे मुबारक है समुची प्रबंधक कमेटी नूं जितनी जो पंचायत ने जो सिस्टम इत्थे बना के 11 मैंबर साहिबाना दी झोली च सेवा पाते हो बहुत सोहना ते नाल ही मैं धनवाद हाँ धनवादी हाँ कि अज पहली बार इत्थों दी संगत दे दर्शन करन दा सुभाग मैनूं प्राप्त हो रहा है आओ गुरु नानक दे दर तो सतगुरु पहली पातशाह तो लैके दसम पातशाह दी बाणी नूं आपां याद करांगे गायन करांगे ते सतगुरु ने जो सानूं रवायतां दित्तियां ने ते अंत विच जिहड़ी वीर रस दी बाणी आपां सारे मिल के सरवण करांगे ते हकीकती तौर पर जदों गुरु चरणों में समर्पित होकर गायन अते सरवण किया जाए तो वह जिहड़ा आनंद जां वह जो नज़ारे सानूं महसूस होणगे ना बयान नहीं किए जा सकते सो आओ प्यार दे नाल पै काहू को देतना नै पै मानत आन आओ इस शब्द दे नाल क्यों गुरु का सिख जिहड़ा दुनिया दे विच बैठते जिथे वह सदा सब का भला मंगता है सब का भला मंगता है पर कोई
गलत फहमी में रहे कि गुरु का सिख ते चुक चुक के नतमस्तक होंदा है, जी आया कहंदा है, ते उहदा कोई नजायज फायदा चुकण ते आ जावे ते फिर सतगुरु ने सानू हुक्म दिता है कि पै कहूं को देत नै नै पै मानतान, नजायज करनी नहीं ते नजायज सहनी भी नहीं। सो आओ प्यार दे नाल इस शब्दां नाल जुड़ के आपां अगे वधांगे। पै कहूं को देत नै पै कहूं को देत नै डगमग छाड़ रे
Yeah.
समा जड़ा है किस पासे लेके जा रहा है। इतना लंबा समा बतीत हो गया पर गुरु की जड़ी कृपा है ना वो नहीं मुक सकती। मैं खुशी होंगी जो मैं ऐसे परिवार में आना हाँ। एक दो बार हाजरी भरी असी त्रिलोकपुरी समागम के क्योंकि वो परिवार उयो सोच उयो सिद्धांत जिथे जिथे गुरु का सिख बैठा है। पर जड़ी हकीकत विच गल है मैं इन्हां परिवारां विच जां इस समाज विच जिहड़ा मैं गुरु के प्रति प्यार देखदा हाँ बहुत घट थावां ते नज़र आंदा है। यह मुबारक है तुहानूं तुहाडे वड्डियां नूं जिन्हां ने इतने वड्डे वड्डे कष्ट सहे तकलीफां सहियां सब कुछ उजड़ गया पर जिहड़ा सिखी सिदक सी जिहड़ा उह नहीं छड्डिया। जदों मैं अंदर आया तो मैं देखिया नौजवान बच्चे छोटी छोटी उम्र के बच्चे दस्तारा सजा के बैठे भाई साहब जी होनी प्रबंधक कमेटी जल पाने वास्ते स्थान पर लैके गए कमरे में लैके गए उत्थे जिहड़े विचार हो रहे सन ना वो बड़े कमाल दे सन। अपने बच्चों के प्रथाए उन्होंने माँ प्यो इदा दसते पे सन जिदा कि बहुत वड्डी अचीवमेंट हो गई। वाकई अचीवमेंट सी की सी कि आम तौर पर बच्चे घर जिद करते कि मैं फलाना फोन लै दो मैं टीवी लै दो मैं यह लै दो मैं कपड़े लै दो मैं वह लै दो ठीक है वो अपनी जगह बच्चे ने उन्होंने संसार जिदा विचरना सब चीज़ों की लोड़ है। पर जिहड़ियां तीन चार चीज़ां वल मैं तवज्जो दवाना चाहना और तुहानूं मुबारकबाद देना चाहना हाँ और तुहानूं फखर होना चाहिए अपने ते कि गुरु नानक दे घर तुहाडा जन्म है। तो जेकर आपां इतिहास देखते हैं पिछले समय तो लगातार सैकड़ों वरिया का इतिहास गुरु के सिख के वास्ते जो हुक्म है सच ते खलोना तो उस सच के वास्ते अपने आप को बलिदान कर देना शहीद कर देना कितने नजर आ जाए। तो परिवार जी अंदर होड़ मची पई सी जिथे बड़े सारे विद्यार्थी मैं आके मिले ते नाल ओ परिवार के जेडे मुखी सन मैं पता की दसते पे सन कि कहते भाई साहब साडा बच्चा जिद कर रहा है कि मैं गुरुद्वारे जाना है तो दस्तार सजा के जाना है। तो घर वाले देखो उत्साह देते पे ने बच्चों तो इतों तक कि अगर कमरे में चढ़ के दस्तार सजाने का मन में आ गया तो थले उतरना नहीं जब तक दस्तार नहीं सजा लेती। कितनी वड्डी दात ये है ऐ ओ दात है जिदे वास्ते दुनिया समझ नहीं पा रही कि एक परमात्मा की दित्ती दस्तार की कितनी वड्डी दात है। तुसी संभाल दे पे जदों मैं देखदा बच्चों के अकैडमिक तौर पर पढ़ाइया लिखाइया के बच्चों को पढ़ाया लिखाया केवल मोहताजी तक सीमित नहीं रहन दिता नहीं तो आम तौर पर जो किसी कुछ मिलना शुरू हो लोग उन्होंने दूजे पासे लै जाते हैं। पर शाबाशी तुहाडे परिवारां दी तुहाडे घर दे वड्डियां दी मैं उस समय भी सामने आता जो बिल्कुल हालात नवे नवे सन पर घर खास करके मेरिया भैणा मेरिया बीबिया ने जिदा उस वक्त घर संभालिया परिवार को संभालिया कि जो कुछ बच गया से ना तो सिखी का मार्ग छड़िया ना गुरसिखी की कलम छड़ी ना गुरसिखी की बोली छड़ी पर उसके नाल नाल कष्ट सहे तकलीफा सहिया पर फिर भी गुरसिखी का मार्ग ना छड़ के बच्चों नूं पढ़ाया लिखाया। पर उस तो भी वड्डी दात जिहड़ी मैं इन्हां परिवारां विच देख रहा जिहड़ी मैनूं बहुत खुशी हो रही है कि गुरु दे लड़ ला के रखिया तुसीं नौजवान बच्चियां विच बैठदियां ने जिन्हां नूं कीर्तन की दात मिल गई ना समझो जिंदे जी रब का आशीर्वाद मिल गया। वो बच्चियां जिन्होंने कीर्तन की दात लै लीती पाठ करना आ गया गुरबाणी पढ़नी सुननी आ गई कीर्तन करना आ गया वो मैं समझदा साडे तो भी वड्डियां प्रचारक ने संसार के जिस कोने विच जाण गया जिस घर विच जाण गया उत्थे रब के नाम की खुशबू गुरु नानक दे घर की बाणी का उत्थे प्रवाह चलेगा उत्थों जो घर के लागे कोई निकलेगा तो अमृत वेले उत्थों गुरु नानक की बाणी की आवाजा आन गया सुखमनी साहब के पाठ सुनाई देणगे। मेरिया भैणा नूं
सतगुरु ने वर दिता है। आओ जो गुरु का ओट आसरा हो भावें कोई कितने वे तो वे जुलम कर ले उस पासे पर रब दूजे पासों ताकत देता है। आओ चौथे पातशाह का शब्द आप गायन करके फिर आप दसम की बाणी वाले पासे आवेंगे। तो भी दस जी बाणी उस वक्त गुरु उस टाइम के काल में पढ़ी जाती थी जिमें और गुरु नानक की बाणी का किदा सुमेल है दसम पातशाह की बाणी के नाल आप जी और नज़ारे लवोगे और किन्नी ताकत है दसम पातशाह की बाणी की। कहिंदे ने निर्बल तो निर्बल मन कमजोर मन उदास मन डिप्रैशन च गया होया मन शरीरक रोग ते जिहड़ा बीमार होवे ते लेकिन वह दसम पातशाह की बाणी दे नाल जुड़ गया बाणे नाल जुड़ गया यकीनी तौर ते उहदे उत्तों सारियां परेशानियां उस तों दूर हो जाणगियां। उस इतनी ताकत सतगुरु ने बाणी विच दित्ती है। सो आओ प्यारिओ चौथे पातशाह का बहुत ही प्यारा शब्द जाम गुरु होए वाल बहुत प्यारा मुबारक शब्द उस जेकर अकाल पुरख का जिन्हें ओट आसरा लै लिता तो फिर समझ लो परमात्मा उहदे अंग संग खड़ा हो जाता उहदे नाल आके खड़ा हो जाता। तो फिर जिहड़ा जालम कितने वड्डे वड्डे जुलम कर ले पर उस सोच नूं उस सिद्धांत नूं मिटा नहीं सकता जिहड़ी पहली पातशाह तो लैके दसम पातशाह ने अपने सिखां दे विच पढ़ दित्ती है। सो आओ प्यारिओ प्यार दे नाल इस शब्द दे नाल जुड़ के आपां फिर अगे चलते जाम गुरु होए वाल लख बाहें क्या कीजे
दुश्मन कमन विचार खबर तो जानिया हो गया ना कि असी तो कोई कोर कसर नहीं छड़ी सी अपने वालों कोई साधन नहीं सी छड़िया कि कोई बच जाए पर उन्होंने की पता कि इत्थे दे दूने सवाए होके आते पे ने ते शायद उस वक्त कोई कमी रह गई होवे पर इस वक्त जड़े दाते की कृपा नाल गुरु के सिख त्यार बर त्यार होके आ रहे ने वो कला कला सवा लख दे मुकाबले खड़ा हो रहा मेरिया भैणा मेरिया बच्चिया बीबिया तुहानू बहुत ताकत दिती है सतगुरु ने बहुत वड्डी जिम्मेवारी है तुहाडे उत्ते तुसी खास तवज्जो देनी है
ते जेकर असी पिता नूं मान लिए कि वह जीवन विच बच्चे नूं औलाद नूं स्ट्रोंग बनांदा है, पर जिहड़ी मां संस्कार दिंदी है भगती दी जननी वह मां है। बहुत वड्डी ताकत रब ने मां नूं दित्ती है। ते जदों मैं आके देखिया कि इतने परिवार इत्थे बैठ के बच्चियां दे कीर्तन करदे ने, जुड़दे ने, पिछले समय जदों 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब आपां सारे मना रहे सन, ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 400 बच्चों नूं लैके गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के जितने बच्चे सन उन्हां विचों बच्चों नूं 94 बच्चों नूं लैके 9वें गुरु नानक साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी तैयार कराए गए सन। समागम बड़ा कमाल का समागम सी, पर लॉकडाउन करके वो रुक गया। पर मैं जदों देखदा उन्हां विच आने वाले जिहड़े बच्चे सी वो परिवारां दी देन सी। सामने बैठा मुंडा साडे अवतार सिंह जी, तबले की भी सेवा की इन्हें हुणे साडे जदों असीं आए उदों जथे दे विच कीर्तन की सेवा निभारिया सी। साडी दूजी बच्ची बैठी गुरलीन कौर, ते होर साडे बड़े सारे बच्चे, एक समर्थ बच्चा जिन्ना कदे मैं नाम जानदा हाँ, मनप्रीत वगैरह, सारे परमात्मा की कृपा है। तुहाडे परिवारां नूं मुबारकबाद है कि तुसीं इन्ने संघर्ष कीते। दुनिया की कोई ताकत नहीं सी जिहड़ी कि तुहाडे, कोई ऐसा साधन नहीं सी जिहड़ा तुहाडे साडे ते वरत्या ना गया होवे, पर रब जिहदे वल नाल खलो जावे वह फिर इहो जिहे नज़ारे सामने लैके आंदा। तो मैं फुरने देख रहा सी, कमरे च बैठ के सलामां हो रही सन, गुरु घर के वजीर भाई साहब जी, इतों की समुची प्रबंधक कमेटी, आने वाले समय के असी जितने शहीद परिवारों के बच्चों के सोहना सोहना कीर्तन कर सकते हैं उन्होंने चोण करांगे, इतों आके चोण करांगे। भावें दिल्ली के जिहड़े कोने च भी शहीद परिवारों के बच्चे बैठते सोहना कीर्तन परिवार करते हैं ना, उन्होंने जिन्हों के जथे तैयार होए पे ने जां शौकिया तौर पर कीर्तन करते हैं सारिआं नूं लैके असी समागम करांगे गुरुद्वारा बंगला साहब तों। क्योंकि मैनूं पता है महाराज जी कृपा दे नाल इतना गुण तुसीं बच्चिआं दे विच भर दित्ता। और सब तो वड्डी गल कि इहो जिहीआं प्रबंध कमेटियां जिहड़े कि अपनी नौजवान पनीर नूं संभालण वास्ते तत्पर ने, तैयार प्रत्यार ने, सब कुछ करन नूं तैयार ने, संघर्ष करदे पए ने, ते तुहाडा वी फर्ज बनदा है तैयारियां करो, साथ देवांगे, मिलके सोहणे सोहणे समागम दुनिया सामने मिसाल लैके आवांगे। जदों गुरद्वारा बंगला साहब जां ऐसे स्थानां तों शहीद परिवारां दे बच्चे कीर्तन करांगे तो वह नज़ारे किहो जिहे सामने आणगे अंदाजा लगा लो तुसीं। इत्थे नहीं मुकेगी गल, इन्हां परिवारां ने जो घालणा कीतियां ने अज दुनिया सामने होर पहलू भी असीं लैके आना है। आम तौर पर एक ऐ नज़ारा बन गया सी कि इन्हां नूं मदद की लोड़ है, वाकई लोड़ सी है। जितनी वड्डी मार पई है, जितना वड्डा जुल्म कीता गया, उहदे मुकाबले कोई भी मदद उहनां दे मुकाबले कुछ नहीं। पर मैं जदों इत्थों दे परिवारां दा इकलाक देखिया, संस्कार देखे, उहनां दी सैल्फ रिस्पैक्ट देखी, मन विच मेरे बहुत चाह आ रहा कि इहनां परिवारां दे बच्चिआं नूं असीं इह पहलू भी दुनिया दे सामने लैके जाइए। देखो कि इह बच्चे कित्थे जिथे पढ़ाइयां दे विच, लिखाइयां विच, जेकर तंती साज देखिए तो इन्हां दे बच्चे इतने प्यारे, तबले दी देखो, कीर्तन वालों देखो, कथा विचारां सखियां साखियां देखो, तैयार करो तुसीं सब, तैयार प्रत्यार होवो। आने वाले समय के जल्द ही आप बड़ा सोहना समागम केवल तो केवल शहीद परिवारों नूं लैके आप करांगे। सो आओ अंत में आप चलांगे, जदों ए शब्द की समाप्ति होएगी तो गुरु चरणा में दसम बाणी के नाल जुड़ांगे फिर। काम गुरु होए बल लख पाहे, क्या कीजै क्या कीजै, दंत जीव जिम राख है, दंत जीव जिम राख है, दुष्ट अरे संघार, दुष्ट अरे संघार, दुष्ट अरे संघार, दुष्ट अरे संघार। जाम गुरु होए बल लख पाहे, क्या कीजै क्या कीजै, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोलन जाने मैं मन माता मरना जीतना आवे, मेरे राम राय
जम नहीं आवे ले रे, 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 जम नहीं आवे ले रे। जम गुरु होए वाले, जम गुरु होए वाले, लख पाहे क्या कीजै, क्या कीजै, क्या कीजै। आओ समाप्ति वाले पासे दसम पातशाह दी वीर रस दी बाणी, और आओ बाणी है इनू ढंग दा गाण दा जिहड़ा सतगुरु ने सानू ढंग दित्ता ना वीर रस नू गाण दा, इनू केवल कीर्तन वांगू नहीं गाया जा सकता। जदों वीर रस की बाणी गाई जाती है वो पिछे वो तंग चाहिए होंगी है, और यह बाणी खास करके विशेष करके गले नाल नहीं गा सकते, इनू प्राणा नाल गाया जाता है, और इनू ढिले पैके नहीं गा सकते। तो देखो ये सुमेल होएगा पहली पातशाह के श्लोक तो, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। गुरु ग्रंथ साहब के बख्शिश की हुई भगतों की बाणी तो अंत में आप दसम के उत्ते मुका करांगे। सो आओ सारी तवज्जो दवो अपनी, उस तो बाद आप कीर्तन की समाप्ति करांगे प्यार दे नाल सारे जुड़। जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर
मामा पाजियो परियो निशाने काओ परियो निशाने काओ परियो निशाने काओ के जो मांजो सूरमा आप चूजन को जाओ आप चूजन को जाओ आप चूजन को जाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के रेत जो लड़े दिन के रेत जो लड़े दिन के पुर्जा पुर्जा कट मरे कट मरे कट मरे जिदा मैं पहले बेनती की कोई वड्डा रोगी होवे ना शरीरक तौर पर भी रोगी होवे मानसिक रोगी होवे घर विच दुख दलिद्र होवे परेशानी होवे किसी भी तरीके की दसम दे बख्शिश किए हुए बाणी अते बाणी नाल जुड़ जाओ फिर देखो सतगुरु किदां दे नज़ारे बख्शदा है सो फुल्लां चुक्का दी खिमा इतनी हाजी प्रवान करो जिदा जिदा हुक्म किया प्रबंधकों ने उस तरीके निश्चित किया विशेष करके मैं धनवादी हाँ समुची प्रबंध कमेटी का समुचे शहीद परिवारों का कि कैसा भी समा आया पर तुसी इस समागम नू सदा चढ़दी कला दे नाल मनांदे आ रहे हो तो मैनू लगता कि आने वाले समय तक रहिंदी सवासा तक यह समागम चलता रहेगा इतिहास याद रहेगा और इस समागम के बच्चों तो लैके वड्डियों तो लैके जो भी अपना योगदान पाते हो सब नूं मुबारक है होर तार प्रत्यार होवो होर चढ़दी कला दे विच होवो जिस तरह कि मैं तुहानूं बेनती की कि बहुत जल्दी आपां
चोन करके ते बहुत सोहना समागम एक आपां गुरुद्वारा बंगला साहब रखण दा यतन करांगे। जिहड़े जिहड़े भी परिवार मेरी बेनती नूं सुणदे पए आ, तैयारियां करो, अपने घर दे विच तैयारियां करो, बच्चों नूं तैयार करो। मैं जल्दी ही इत्थों दे प्रबंधकां दे नाल विचार विमर्श करके एक समागम दी रूपरेखा खिंच के इत्थे असीं रखांगे। जो भी इहदा क्राइटेरिया होएगा सामने रखांगे, फिर एक आपां सारे मिल जुल के चढ़दी कला दा समागम आपां रखांगे। आस है मैनूं इह बेनती जरूर प्रवान करोगे, क्योंकि ठीक है कि भावें इस समाज विचों सारे बरादरी विचों बहुत वड्डे वड्डे चढ़दी कला वाले कीर्तनीए गुरु के वजीर कथावाचक बहुत कुछ तुसीं कौम नूं दित्ता है, दिंदे पए हो, पर अज जिहड़ा समा है सानूं लोड़ है अपनी पनीरी नूं संभालण दी है, बच्चों नौजवान बच्चे बच्चों। तो जदों मैं देखदा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के तौर पर अकाडमिक तौर पर भी बहुत चढ़दी कला विच वड्डे वड्डे पदवियां ते लाके सेवा दे बंदे पए, पर गुरु की जिहड़ी दात है कीर्तन भगती कीर्तन बाणी ते बाणी नाल जुड़ के चलते पए हो, यह बहुत वड्डी दात है तुहानूं। सो गुरु कृपा करे आप सारे जुड़ो ते नाल मैं धन्नवादी हां मेरे अजीत मेरे जिन्होंने गुरबाणी कीर्तन के नाल जुड़े हो। सरदार प्रताप सिंह जी कहिंदे सी भाई साहब जी नाम नहीं लैणा किसी का, भाई सुखचैन सिंह जी जिहड़े कि टीचर ने उन्हां दे नाल है उत्थे गुरुद्वारा माता सुंदरी गुरमत अकैडमी उत्थे आके आंदे सन सिखते सन। ते अज मैनूं जदों मैं इन्हां नूं देखिया कि इतनी वड्डे थां ते आके समुची पंचायत ने 11 मैंबरां विच चुण के सेवा सौंपी इन्हां दी झोली विच पाई सारिआं दी, प्रधान साहब नूं मैं देख रिहा सी जां इत्थों दे जिहड़े मुखी बैठे सन ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਐ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰ ਬਾਕੀ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿੱਤਦਾ ਪੰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕਮਾਇਆ ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਮਿਲਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਕੋ ਵਾਤ ਕਰਿਆ ਨਾਨਕ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਮਨ ਪਾਤੋ ਸਗਲ ਮਨੋ ਰਖੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਗਲੋ ਸੰਸਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਕੇ ਸਾਜਾ
ਸਿਸਰਾ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੂਜਲੇ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਰੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਗੇ ਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਈਆਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ